आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आपका वेलकम। आज मैं बनाऊंगी तवा नान। तो तवा नान बनाने के लिए ये मैंने मैदा ले लिया। यहाँ 2 कप मैदा है, ये वाले 2 कप मैदा है। तो इसमें मैं 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल दूंगी। और ये 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, ये 1/2 टेबल स्पून शुगर पाउडर है, ये मैंने चीनी को बारीक पीस लिया था, और 1/2 टेबल स्पून नमक। मैं छान लेती हूँ, सारा छान लिया है, सारी चीज़ें मिला करके इसमें। और मैं इसमें ये 2 टेबल स्पून दही डाल दूँगी, बड़े वाले। ये 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी, कुकिंग ऑयल। और ये मैंने दूध लिया है यहाँ पर, जितने भी दूध से मुझे आटा गूंदने में ज़रूरत होगी, जितने भी दूध की, इतना मैं डालूँगी इसको। और ये आटा गूंद लूँगी सॉफ्ट, थोड़ा सा ये ऑयल लगा लूँगी मैं इस पर। कपड़े से कवर कर दूंगी, थोड़ा सा गीला कर लिया है मैंने कपड़ा, इससे मैंने कवर करके 2 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। तो 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ आटे को, देखिए कितना अच्छा हो गया है ये। थोड़ा सा ऑयल ले लूंगी मैं हाथों पर, देखिए कितना अच्छा हो गया। देखिए इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है पूरे आटे को ऐसे। ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी, और इसको मैं ऐसे बॉल टाइप की ले लूंगी पेड़े बनाने के लिए। ये मैंने बराबर कर ली है सबको, और इनको मैं अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी, ऐसे आटे को लेकर के ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी, पकड़ करके ऐसे अंदर की तरफ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से नान फूलेंगे। इन्हें मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं ये, थोड़ा सा आटा लगा लूंगी हल्का हल्का सा, और इसको हल्के हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से बेलती रहूंगी मैं ऐसे घुमाकर, टाइट हाथ से नहीं इसको बेलना, इसको दबाना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे किनारों से नहीं करना। मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ, तो इतना आटा लिया है मैंने। अगर आप छोटे और बड़े बनाना चाहें तो कम आटा लेना, ज्यादा आटा लेना। थोड़े से हरे धनिया की पत्ती लगा दूंगी मैं, हाथ से दबा दूंगी। इसको उल्टा करके यहाँ देखिए, मैं इस पर बनाऊंगी, लोहे का तवा है मेरे पास, इस पर मैं बनाऊंगी। क्योंकि नॉन स्टिक पर या किसी और भी कोई और भी मटेरियल का जैसे होता है तवा, तो उस पर नान नहीं बनाने चाहिए, लोहे के तवे पर ही बनाने चाहिए। क्योंकि तंदूर जैसा जो पीछे से जो क्रिस्पी होते हैं, वो तंदूर जैसा जो लुक आता है, वो लोहे के नान से ही लोहे के तवे से ही आता है। तो इसलिए मुझे लोहे के तवे पर ही बनाना है ये। तो मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। इस पर क्या होता है नॉन स्टिक के तवे पर कि नान चुपकते नहीं है, और किसी वजह से हम चुपका भी दें उसे तो वो चीज़ नहीं आती उसमें, नान में लगता नहीं है वो। ये लोहे के तवे पर जब मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल तंदूर जैसा आता है। तो ये नान की बैक साइड मैंने कर दी है। यहाँ मैं हल्का हल्का सा ये पानी लगा दूँगी, बहुत हल्का सा पानी लगा दूँगी ऐसे, तवा गर्म होने देती हूँ।
देखिए तवा अच्छा गर्म हो चुका है, मुझे हल्का सा यहाँ पर भी पानी तवे पर लगा देना है और ये नान को दूसरे हाथ पर पानी लेकर ऐसे, ऑयल नहीं लेना हमें, पानी लेना है और थोड़ा सा इसको ऐसे, और नान को ऐसे थोड़ा सा दबा देना है किनारों से साइड से ऐसे। इसको बनने देती हूँ। देखिए नान कितना अच्छा फूल गया है, बिल्कुल तंदूर के जैसा। तो एक कैचर से पकड़ करके इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा साइडों से सेकते रहेंगे, हल्का हल्का सा। स्लो फ्लेम कर देती हूँ मैं। देखिए कितने अच्छे फूल का नान बन रहे हैं, बिल्कुल तंदूर जैसे। अगर हम नॉन स्टिक पर बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरी साइड से पकड़ेंगे, बिल्कुल तंदूर स्टाइल नान, हल्का सा इसको छुटा देती हूँ। देखिए है ना बिल्कुल तंदूर जैसा नान, ये देखिए। दूसरा भी बना लेती हूँ, एक और ऐसे ही बना लेंगे। ऐसे घुमा घुमा करके हल्के हाथ से बेलती रहूंगी, बहुत हल्के हाथ से बेलना है, इसको दबा करके नहीं बेलना बस। ये हरे धनिया की कुछ पत्तियां लग गई, बीच बीच में से ऐसे दबाकर उल्टा कर लूंगी इसको मैं, फिर यहाँ से प्रेस कर दूंगी। थोड़ा सा पानी लगा दूंगी, प्रेस। देखिए कितना बढ़िया फूल कर आएगा, देखिए कितने फूले फूले नान बन रहे हैं यहाँ पर। इसको भी मैं ऐसे ही सेक लूंगी, पहले थोड़ा हाई पर सेकूंगी फिर फ्लेम लो कर दूंगी। ये भी तैयार है, एकदम क्रिस्पी नान। किनारों से सेकना है, बीच से तो अपना भी सीख जाएगा। वो बहुत जल्दी बनते हैं। देखिए ये भी तैयार हो गया, देखिए ये नान बिल्कुल तैयार है, एकदम क्रिस्पी फूले फूले से। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें।